अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये लेटर आई डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने नायलॉन के थ्रेड से जाड़े धागे से बनाया है, इसलिए इसकी साइज़ बड़ी बनी है। अब इसे हम सिल्क थ्रेड से बनाएंगे और ये सेम डिज़ाइन हम फॉलो करेंगे तो उसकी साइज़ छोटी बनेगी। यहाँ पर मैंने नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की, और ये सिल्क थ्रेड है जिसे एम्ब्रॉयड्री का थ्रेड कहते हैं। ये दो शेड में है, ब्लू एंड वाइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हम इस तरीके से फिंगर पर धागा फोल्ड कर लेंगे। नीडल की निब हमें अपनी तरफ पकड़नी है और राउंड लेकर स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद हम लेंगे 25 चैन। सिंपल हमें चैन लेते जानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and 25। यहाँ पर हमने 25 हमने चैन ले ली है। अब फर्स्ट चैन का गैप छोड़ देना है हमें। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके, सो फर्स्ट चैन का हमें गैप छोड़ना है। नीडल पर पहले धागा फोल्ड करेंगे, फर्स्ट गैप छोड़कर सेकंड गैप में हम लेंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट। फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट। दो बार हमने दो गैप में 1-1 टाइम डबल क्रोचेट ले लिया। अब हमें 5 टाइम डबल क्रोचेट लेना है, लेकिन एक साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, नेक्स्ट गैप में अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। 3 धागे हैं, 2 में से बाहर आ जाएंगे और 2 को वैसे ही रखेंगे। फिर से नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, नेक्स्ट गैप में अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। 4 धागे हैं, 2 में से बाहर आ जाएंगे और अब 3 को ऐसे ही रखेंगे। 2 बार हमने कर लिया, ऐसा हमें टोटल 5 बार करना है। 2 धागों में से बाहर आ जाना है, बाकी धागों को वैसे ही रखना है। 3 बार हो गया। अब ये 4थी बार और ये लास्ट 5वीं बार। जब 5वीं बार आप निकाल लोगे इस तरीके से 2 धागों में से, तो नीडल पर आपको 6 धागे दिखेंगे। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नीडल पर धागा फोल्ड करना है, उन 6 के 6 धागों में से हमें बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर नीडल पर धागा फोल्ड करना है और इस धागे में से बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोचेट। अब सिंपली हमें 10 टाइम्स डबल क्रोचेट लेना है 10 गैप में, मतलब ये एक गैप में एक बार हो गया। फिर नेक्स्ट गैप में 1 बार, 2 टाइम्स हो गया। फिर नेक्स्ट गैप में ये 3rd टाइम, ऐसे हम टोटल 10 टाइम्स बना लेंगे। फिर ये 4th, ये 5, ये 6, सेवन, एट, नाइन, टेन। यहाँ पर हमने 10 गैप में 10 बार 1-1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लिया है। अब यहाँ पर जो हमने 5 टाइम साथ में जॉइंट में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी कर लेंगे। 5 डबल क्रोचेट को एक साथ में हमें बनाना है। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, फर्स्ट गैप में अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। पहले 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे,
दो धागों को वैसे ही रखेंगे, फिर दो धागों में से बाहर आना है, नेक्स्ट तीन धागों को वैसे ही रखना है। जब आप ऐसा पांच बार कर लोगे तो आपके पास ऊपर छह धागे आ जाएंगे। ये थ्री टाइम्स हो गया, ये फोर टाइम्स एंड ये फाइव टाइम्स। अब नीडल पर हमें छह धागे दिख रहे हैं, सब में से हमें बाहर आ जाना है, फिर नीडल पर एक धागा फोल्ड करना है और एक गैप में से बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब फिर से हम ले लेंगे नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, जैसा हमने स्टार्ट में बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे वन टाइम डबल क्रोचेट और यही इतना ही पार्ट हमने स्टार्ट से यहाँ तक बनाया था। फिर हमने टेन टाइम्स डबल क्रोचेट लिए थे तो सेम ये पार्ट और ये पार्ट हमने यहाँ पर भी बना लिया। अब ये देखें, अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोचेट है उन पर हमें स्लिप स्टिच लेनी है, उस गैप में से धागा डालना, नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आ जाना है इस तरीके से। फिर ये जो गैप है इस पर हमें स्लिप स्टिच ले लेनी है, फिर जो ये नेक्स्ट चैन पर आ गए हम ये वाले डबल क्रोचेट के ऊपर, उस पर हमें स्लिप स्टिच लेनी है, फिर उसके बाजू वाला एक गैप है डबल क्रोचेट का, उस पर स्लिप स्टिच लेनी है। यहाँ तक आने के बाद टोटल हम यहाँ पर फोर टाइम स्लिप स्टिच ले लेंगे। अब फिर से हम लेंगे थ्री चैन, वन टू एंड थ्री। थ्री चैन लेने के बाद फर्स्ट गैप छोड़कर सेकेंड गैप में लेंगे हम वन टाइम डबल क्रोचेट, सेकेंड गैप में हमें वन टाइम डबल क्रोचेट लेना है। फिर थर्ड गैप में हमें वन टाइम डबल क्रोचेट लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम थ्री गैप छोड़कर फोर्थ गैप में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद अब यहाँ पर टेन टाइम्स हमने जो सिंगल क्रोचेट डबल क्रोचेट लिए थे अलग अलग गैप में, तो यहाँ पर उनके गैप्स होंगे, उन सब में वन वन टाइम स्लिप स्टिच लेते जाना है। इस तरीके से हर एक गैप में हम वन वन टाइम स्लिप स्टिच लेते जाएंगे। तरीके से हम यहाँ तक आ गए। अब हम फिर से लेंगे थ्री चैन, वन टू एंड थ्री। थ्री चैन लेने के बाद सेकेंड गैप में हम लेंगे वन टाइम डबल क्रोचेट, फिर थर्ड गैप में लेंगे हम वन टाइम डबल क्रोचेट पर फोर गैप्स छोड़कर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद टू चैन हमें एक्स्ट्रा लेनी है और धागा कट कर लेना है, फिर धागा खींचकर बाहर निकालना है और इस तरीके से ये हमारा लेटर आई रेडी हो गया है। अब इसे हम बैक साइड से जो धागा दिख रहा है उसे अंदर की तरफ खींच लेंगे और बचा हुआ धागा कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से भी
जो बचा हुआ धागा है उसे हम कट कर लेंगे। और ये देखें, ये हमारा लेटर आई बिल्कुल रेडी हो गया है। सो गाइज, इसी तरीके से आप भी फॉलो करें। अगर आपके लिए ये डिज़ाइन हेल्पफुल है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।